नमस्कार, प्राइम टीवी पर श्वेता के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम शख्सियत, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के जरिए अपना परचम लहराया है। ऐसे ही आज एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, वो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम अवनीश अवस्थी जी। तो सीधे उनसे ही जानेंगे कि आज तक का उनका सफर कैसा रहा। तो सीधे बात करते हैं सर, आप हमें ये बताइए कि आज तक का जो आपकी जर्नी रही है वो किस तरीके से रही है। मेरी व्यक्तिगत जर्नी तो मैं मेरा रोड़किला में जन्म हुआ था, मेरे फादर स्टील प्लांट में थे और फिर मैं भिलाई में भी रहा और बोकारो में मेरी स्कूलिंग हुई। वहाँ एक सेंट जेवियर्स स्कूल है जी। उसमें स्कूलिंग हुई 12th तक और फिर सेंट जेवियर्स के बाद मैं फिर IIT कानपुर गया और IIT कानपुर में मैंने पहले तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन की, बाद में फिर अपना कोर्स बदल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पहुंचा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद IIT कानपुर करने के बाद फिर हमने उसी बीच में सिविल सर्विसेज देने का तय किया था और लगभग सेकेंड ईयर से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी थी और इकोनॉमिक्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग के साथ साथ भी इन सब सब्जेक्ट्स में हम लोगों ने काम किया और फिर जैसे ही IIT से बाहर निकले तो हमने फिर IIT दिल्ली ज्वाइन किया, बिकॉज दिल्ली में सिविल सर्विसेज के लिए बैठने में आसानी होती थी और एक साल वहाँ रहा और उसके तुरंत बाद फिर हमारा सिलेक्शन इंजीनियरिंग सर्विस में भी हुआ और फिर सिविल सर्विसेज में भी हुआ। जी सर, आपने पढ़ाई की, हम लोग अभी एजुकेशन की बात करें, आप किस टाइप के स्टूडेंट्स थे? काफी नॉटी थे या स्टूडियस थे, किस टाइप के आप? नहीं, हम पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट थे जी। और लेकिन हम अपने स्कूल के कैप्टन भी थे जी। तो खेलते भी थे, पढ़ते भी थे, बहुत सारे ड्रामा और उसमें पार्ट लेते थे, तो हर चीज में हमने काम किया है। तो हम अपने स्कूल में अपने स्कूल के स्कूल कैप्टन भी थे और अपने कॉलेज में यानी IIT में गए तो हम अपने बैच के रिप्रेजेंटेटिव थे फॉर द एकेडमिक काउंसिल। वहाँ स्टूडेंट दो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर साल एकेडमिक काउंसिल के लिए, तो उसमें हम रिप्रेजेंटेटिव भी थे, वो चुनाव होकर जो है सिलेक्शन होता है। तो हर तरह के कार्यों में मैंने काम किया है। IIT कानपुर में काउंसलिंग सर्विस थी, उसमें काम किया है। फिर इसके अलावा जो है IIT कानपुर में मैं वेट लिफ्टिंग में मैं खेलता था तो मैंने मेडल्स भी लिए हैं। तो बहुत सारे चीजों में जोड़ के जो है कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसमें भाग न लिया हो। डिबेटिंग में बहुत भाग लिया है, क्विज कॉम्पिटिशन में भाग लिया है, तो हर चीज में भाग लिया है और स्कूल में तो खैर लगभग हर चीज में भाग लिया है। तो सर, आप काफी स्टूडियस टाइप से जैसे आपने बताया, तो कितना टाइम पीरियड आप ये देते थे, मतलब किस तरीके से मैनेज करते थे जो आपका पढ़ाई का? देखिए, पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है। पढ़ाई तब तक करना चाहिए जब तक कि आदमी को यह ना लगे कि उसको उस सब्जेक्ट का या उस चैप्टर का पूरा ज्ञान ना हो गया। आज की तारीख में पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं है। हम लोग के जमाने में तो केवल किताब होती थी, अब तो इंटरनेट पर बहुत सारा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है। मेरे घर में मेरे पिताजी मेरे लिए जो है थर्ड या फोर्थ क्लास में मैं था तो मेरे लिए एक जनरल नॉलेज के लिए एक पूरी 12 वॉल्यूम की किताब उन्होंने खरीद के दी और उस समय जो है हम लोग इंसाइक्लोपीडिया जो है खोल खोल के बहुत सारी चीजें पढ़ते थे, डेली एनसाइक्लोपीडिया का ज्ञान लेते थे। आज तो इंटरनेट पर इतना ज्यादा ज्ञान अवेलेबल पहले से है कि कोई भी चीज में आप चाहो तो बहुत डिटेल में बहुत अच्छे जो है इनपुट्स मिल जाते हैं। तो पहले तो स्कोप कम था लेकिन आज इनपुट्स चूंकि ज्यादा मिल रहे हैं तो लोगों को तो और ज्ञान से वाकिफ होना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए मैं जरूर कहूंगा कि अपनी किताब के साथ साथ उसके बेसिक स्ट्रक्चर को भी समझने की जरूरत है, टीचर्स को सुनने की जरूरत है और अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग साइड में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो निश्चय ही जो है बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा सर, आपने क्या कुछ एक्स्ट्रा कोई एफर्ट आपके रहा, क्योंकि आपने जैसे बोला जो आपका जो जर्नी रही है पढ़ाई की कि आपने बहुत नॉर्मल या कोई ऐसा कोई भी चीज फेस किया है जो आपको काफी डिफिकल्टीज रही हूँ ऐसा फेस करने में? हम लोगों ने कोई हमने कभी कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया जी। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूशन की किताबें सब मंगा के रखती और किताबें सब पढ़ी और समय मतलब एक समय ऐसा था थर्ड या फोर्थ ईयर से लेकर जब तक इसे उस सर्विस में ना आ जाए कि बहुत ज्यादा कहीं बाहर किसी चीज में पढ़े ही नहीं, केवल पढ़ाई से और
सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू भी होता है उसके बारे में भी नॉलेज जो है इकट्ठा करने में, और जो लोग हम लोग साथ पढ़ रहे हैं उनके साथ जो है इंटरेक्शन करने में समय गया, बहुत कम लिमिटेड टाइम इधर से उधर कहीं वेस्ट किया हो। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम हर चीज में हम लोग बहुत फोकस रहे हैं, और सिविल सर्विसेज ऐसी चीज है बिना फोकस किए आदमी आगे नहीं बढ़ पाता। तो आपको किसने इंस्पायर किया, मतलब आपका डायरेक्शन पहले से खुद से तय था या आपके पेरेंट्स ने? हमारे पेरेंट्स ने ही हमें इंस्पायर किया शुरू से, जब क्लास वन में ही मैं था कि हम लोग अच्छा पढ़ें। हमारे फादर खुद इंजीनियर थे, खुद पढ़ाते थे हम लोग को, मैथ्स पढ़ाते थे, और मदर हमको हिंदी और बाकी सब चीजें पढ़ाती थी। लेकिन धीरे धीरे चौथी या पांचवी क्लास तक तो हम लोग अपने आप पैरों पर खड़े हो गए, फिर खुद अपने आप पढ़ते थे। लेकिन इंस्पायर तो इस आधार पर हुए कि जब आसपास देखते थे कि अच्छे स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, हमारे स्कूल में अच्छे स्टूडेंट्स आगे बढ़ते गए, उनको देखा। और फिर जब आईआईटी में पहुंचे तो हमारे बहुत सारे सीनियर्स सिविल सर्विसेज में ऑलरेडी जा चुके थे, आईआईटी कानपुर से बहुत सारे जो है सिविल सर्विसेज में अच्छे स्थान पर थे, तो उनको देखकर इंस्पिरेशन मिलता है। और सिविल सर्विसेज ऐसी चीज है कि हर आदमी के ज्ञान में रहता है, उससे फर्क पड़ता है। अच्छा सर, हम ये आपका ये जानना चाहेंगे कि आप मालिनी जी से मिले जी। तो ये आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? नहीं नहीं, मिले तो अरेंज मैरिज में थे, बिकॉज मालिनी और मालिनी की जो मौसी जी थी जी। वो हमारे कानपुर में जो हमारा पैतृक आवास है उसी घर में बगल में रहती थी जी, जी। तो हमारी जो मालिनी की जो मौसी थी उनको जानकारी हमारे परिवार से थी, आना जाना काफी था। उन्होंने हमारी मदर इन लॉ को बताया कि हमारे बारे में जी। तो फिर जब तक हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे तब तो बातचीत चल रही थी, लेकिन जब सिविल सर्विसेज में हो गया तो फिर उनकी मदर ने, उनके फादर ने अप्रोच किया, हमारी माँ ने, फादर ने बातचीत की जी। हम लोग मिले और जब मिले तो फिर उसके बाद तो खैर हमें भी पहली पहली मीटिंग में ही हम लोग ने हाँ कर दिया, मालिनी ने भी हाँ कर दिया जी। और हम लोग आगे बढ़ गए। अच्छा, तो सर कैसे, मतलब आप लोग कैसे सपोर्ट करते थे? शायद में भी वो भी जॉब में थी उस टाइम पीरियड में, एंड देन नहीं नहीं, मालिनी जब हमारी शादी हुई थी पढ़ रही थी। अच्छा, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और पढ़ने के साथ साथ उनकी जो है शादी तय हुई थी। जब हमारी शादी हुई तब तक वो उनका कोर्स जो है एमए पूरा फाइनल हो चुका था, वो भातखंडे में भी पढ़ रही थी उस समय। तो पढ़ने पढ़ाई लगभग जैसी शादी हुई तो कंप्लीट हो चुकी थी, और फिर उसके बाद जो है हमारे साथी की थी जी। तो सर आपका एक अलग फील्ड है, उनका एक अलग फील्ड है, तो दोनों के एक अलग अलग ड्रीम कहे जा सकते हैं, तो आप लोगों ने कैसे सपोर्ट किया एक दूसरे को? देखिए, मालिनी से तो आप पूछेंगे तो बहुत अच्छे से बता सकेंगे लेकिन सिविल सर्विसेज में आने का एक उद्देश्य हर अच्छे स्टूडेंट का रहता है कि कहीं ना कहीं मेहनत करे, अच्छा करे, देश प्रदेश की सेवा में लगा रहे। हम लोग का यही उद्देश्य था कि सिविल सर्विसेज में अगर चाहें, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बहुत काम किया, बिजली विभाग में बहुत काम किया, अब जो है हम लोग यूपीडा जैसी संस्थाओं में काम कर रहे हैं, तो मेरी इंजीनियरिंग जो है मुझे ऑलवेज हेल्प करती रही जी। मेरी इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग मुझे जो है ऑलवेज बड़े प्रोजेक्ट्स को कंसीव करने में आसानी से जो है हमको समझने में जो है देर नहीं लगती जी। और चूंकि हम लोग खुद इंजीनियर्स हैं तो जब इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में सीनियर इंजीनियर्स और सीनियर ऑफिसर्स के साथ बात करते हैं, वो भी कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि वो ऐसे आदमी से बात करें जिनको पूरा ज्ञान है। तो हम बिजली विभाग में 7 से 8 साल रहे जी। तो चूंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा फील्ड था और एज एन इंजीनियर हम लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ाई में भी अच्छा किया है, तो उसका फायदा होता है। एज एन इंजीनियर मैं एज अ कलेक्टर भी सड़कों को जाकर खुद अपने आप नाप जोक कर सकता था, देख लेता था क्वालिटी कैसी है, तो उसका एक सकारात्मक रुख है। इंजीनियर्स अगर सिविल सर्विसेज में है तो वो कहीं ना कहीं उनका अपनी ट्रेनिंग जो है उनको अपने कामों में हेल्प करती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क दैट वी डू इज ऑल इंजीनियरिंग, चाहे रोड बनाना हो, वाटर सप्लाई करना हो, चाहे वो जो है स्मार्ट सिटी बनाना हो, चाहे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सेटअप बनाना हो, चाहे आपको डेटा सेंटर्स बनाने हो, ऑल ऑफ दैट इज इंजीनियरिंग। अगर इंजीनियर के रूप में ट्रेनिंग आपकी है तो इसका फायदा होगा जी। अच्छा, आप अभी आपने बोला जैसे कि पावर कॉर्पोरेशन में कुछ टाइम पीरियड आपका एज ए चेयरपर्सन एंड एमडी के बतौर वहां पे आप रहे थे, उस टाइम पीरियड में आपका कुछ खास क्या सेगमेंट रहा? देखिए, पावर कॉर्पोरेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का रोल था, मैं पहला एमडी था पश्चिमांचल में, एज एन आईएएस ऑफिसर मैं पहला एमडी था एक डिस्कॉम का। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का सेटअप कैसा हो,
वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। एक चीफ इंजीनियर के ऑफिस को कन्वर्ट करके डिस्कॉम का एक स्वरूप बनाना, उसको अपने पैरों पर खड़ा करना, ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन उसको लगकर किया गया। आज की तारीख में पश्चिमांचल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो पश्चिम की मेरठ की कंपनी है, वो सबसे अच्छा कर भी रही है, और हम लोग को खुशी होती है कि जो हम लोगों ने ओरिजिनल स्टेप्स लिए उसी रूप में जो है एनर्जी ऑडिट करना, बिजली को नापना हर जगह कहाँ बिजली जा रही है, रेवेन्यूज के सिस्टम्स को कंप्यूटराइज करना, बड़े डेटा सेंटर्स बनाना, ये सब काम किया है, तो उसका फर्क होता है। सर आप बहुत जगह डीएम भी रहे हैं एज ए डीएम, जब आप पहली बार एज ए डीएम अपॉइंट हुए थे, आपने जब वो ज्वाइन किया था, उस टाइम पीरियड में आपके माइंड में क्या चल रहा था, मतलब कि एज ए डीएम आपको क्या क्या करने का ऐसा कुछ माइंड में रहा कि हम ये कर सकते? जब पहली बार मैं डीएम अपॉइंट हुआ था तो मैं जिला था, मुझे ललितपुर जिला मिला था, बहुत ही खूबसूरत जिला, तो उस जिले में तीन काम जो है हमको बहुत जरूरी थे। वहाँ चकबंदी नहीं हो पा रही थी, तो चकबंदी के अधिकारी कम थे, तो चकबंदी के कार्य को मैंने बहुत ही सिस्टमाइज किया है। डीएम जो है चकबंदी कोर्ट में बैठकर, डिस्ट्रिक्ट डीडीसी होता है डीएम, तो चकबंदी कोर्ट में बैठकर बहुत सारे सालों से पेंडिंग जो रेवेन्यू का काम है, जो बेसिक काम है कलेक्टर का होता है, उस काम को किया। फिर इसके अलावा जो है वहाँ इरीगेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट अटके हुए थे, उन सभी प्रोजेक्ट्स को लगकर पूरा कराया। और फिर सोशल सेक्टर में लैंड का आवंटन करना है, लोगों को जो है मकान बनाने हैं, उस समय जो है हाउसिंग साइट्स नहीं थी, बहुत सारे गांव में जो है लोग भूमिहीन थे और आवासहीन भी थे, तो उस पर बहुत काम ललितपुर में करने को मिला। बुंदेलखंड उस समय बहुत कठिन एरिया था, लेकिन मेहनत की और उसका फर्क पड़ा। साल डेढ़ साल जब वहाँ रहे, बहुत सारा काम माइनिंग में भी जो है हम लोग ने नए नए प्रोजेक्ट्स टेकअप किए, तो फर्क पड़ा। जी, आपने कई सारे विभागों के चार्ज लिए हैं अलग अलग, आपने कई प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है, तो आपको किसमें काम करने में ज्यादा अच्छा लगा, कि इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ ये फील्ड बहुत अच्छी है और हमें इसमें? देखिए, हमने तो बहुत सारे विभागों में काम किया अब तक, बिजली विभाग में काम किया, वो चैलेंज एक है। मुझे बिजली विभाग में काम करने में बहुत अच्छा लगा, बहुत मेहनत भी की। मैंने टूरिज्म में बहुत काम किया है, कल्चर में काम किया, टूरिज्म में दो बार काम किया है, तो दोनों बार हमको अच्छा लगा कि हम लोग टूरिज्म में अच्छा काम कर सके। हम लोग ने जो है जनरेशन कॉर्पोरेशन को बिजली दी थी, उसमें नए बड़े प्रोजेक्ट लगाए, जो बड़े पावर प्रोजेक्ट्स है पारीछा में, हरद्वारगंज में, ओबरा में, अनपरा सी और डी में, तो इन सब प्रोजेक्ट्स को खैर हम लोग ने टेकअप किया था और वो अब चल भी रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो बड़े प्रोजेक्ट्स में बिजली में काम किया, टूरिज्म में काम किया, हायर एजुकेशन में काफ़ी काम किया, उसमें मेहनत करके जो है उसको सुधारा, तो इस तरह से बहुत सारे एरियाज में काम किया। और भारत सरकार में हमने डिसेबिलिटी सेक्टर में काम किया, दिव्यांगता के क्षेत्र में, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में कोई बहुत मुश्किल से लोग जो है जाकर काम करते हैं, उस क्षेत्र में जो है उसका पूरा कानून बनाने में सहयोग करना और उस पूरे क्षेत्र में जो है लाभार्थी परक योजनाओं को लाना, इसमें बहुत मेहनत की। तो काफी अच्छा था। अच्छा, आपका ये काफी सारे अच्छे इनिशिएटिव रहे थे, कौन सा इनिशिएटिव आपका सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा कि आप एक सक्सेसफुल तरीके से उसको निभा पाए? देखिए, हर इनिशिएटिव का अपना अपना सक्सेस रेट है। जब हम लोग ने बिजली विभाग में पहली बार डिस्कॉम का काम शुरू किया और उसके रेवेन्यू का कलेक्शन की एक मैकेनिज्म बनाया, तो वो काफी सक्सेसफुल हुआ। पश्चिमांचल विद्युत वितरण कंपनी काफी पॉजिटिव वे में जो है कार्य करती है। टूरिज्म में जो प्रोजेक्ट लगाए वो काफी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो है फील्ड में है। अयोध्या में हम लोगों ने काम किया, आपने देखा मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन था, बहुत सारे काम वहां पर हो गए और अयोध्या का एकदम स्वरूप ही बदल गया। तो इस तरह से बहुत सारे सेक्टर्स में काम किया है, सड़क बनाने के काम में हम लोग लगे हुए हैं, पूर्वांचल का भी काम हो जाएगा, बुंदेलखंड का भी हो जाएगा, गंगा एक्सप्रेस वे का हो जाएगा, तो हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और उसको तेजी से काम करके दिखाएंगे। जी, आपने भी अयोध्या की बात की, तो अभी आपको अयोध्या का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, तो उस फील्ड में वहाँ पे क्या क्या चीज आपके जरिए, वहाँ पे क्या क्या चीज? देखिए, हम लोग के जरिए नहीं होती है, वो एक टीम के रूप में होती है। अयोध्या में चूंकि गृह भाग में हूँ तो इसलिए मैं कमेटी में हूँ, तो गृह भाग के वजह से जो है एक्स ऑफिशियो कमेटी में हूँ, लेकिन अयोध्या में बहुत स्कोप है। मुख्यमंत्री जी ने जो एक पूरा विजन बनाया अयोध्या में, तो उसमें पूरे प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाना है और उस काम में हम लोग सब पूरा लगे। जी,
अच्छा सर, अभी हाल ही में जो एक प्रोटेस्ट हुआ था NTCA के रिगार्डिंग भी, उस टाइम पे आपने खूब इंटरनेट सेवा वगैरह बंद करने का भी ऐसा कुछ किया था। वो कोई भी कानून व्यवस्था को लागू रखने में हर संभव प्रयास करने चाहिए, कहीं भी अव्यवस्था ना हो, कानून व्यवस्था बने रहे, तो उसमें हर तरह के निर्णय लिए जाते हैं। जिले स्तर के जिलाधिकारी, उनके पुलिस के अधिकारी जब एक बार निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय के अधीन जो है बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, और कोशिश ये की गई कि किसी भी रूप में जो है वायलेंस ना हो, इस तरह की चीजों पर कार्रवाई करनी पड़ती है। तो उससे लगता है कि मतलब हम रोक सकते थे। हाँ बिल्कुल जी। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, आपके लिए एक चीज बहुत ज्यादा फेमस है, उसमें कहा जाता है कि आपको माननीय मुख्यमंत्री जी का राइट हैंड कहा जा सकता है। नहीं, गलत, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब एक टीम के रूप में है, टीम 9 के रूप में है, और टीम 9 के रूप में काम। सर, ये जानना चाह रही थी कि अभी जो कोविड काल तभी चल रहा है, उस टाइम पीरियड में आपकी टीम की तरफ से काफी ऑक्सीजन के रिगार्डिंग भी आप लोगों ने काफी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, तो किस तरीके से सर? देखिए, ऑक्सीजन का जो इनिशिएटिव लिया है वो हम लोगों को, आपको मालूम है कि कोरोना में सबसे मेन जो उसमें एस्पेक्ट होता है वो ऑक्सीजन का होता है, और कोरोना के लिए दवा ही ऑक्सीजन है। तो इस कड़ी में जो है हम लोगों ने ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए मुख्यमंत्री जी का निर्देश था। 22 या 23 अप्रैल को हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम, ही बगल में आप देखेंगे कंट्रोल रूम हम लोगों ने स्थापित किया। उस कंट्रोल रूम में जो है गृह विभाग को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, FSDA जो मेन डिपार्टमेंट है उसको, मेडिकल और मेडिकल एजुकेशन और पुलिस को, सबको जोड़कर एक काम किया है। हमारी कोशिश थी कि भारत सरकार से जो भी हमें अलॉटमेंट है वो बढ़ाया जाए, तो अलॉटमेंट बढ़ गया। फिर हमारी कोशिश थी कि टैंकर्स की व्यवस्था को सुचारू किया जाए, वो करा दिया। हमारी कोशिश थी कि ट्रेन को यूज किया जाए, ट्रेन की में बोगीज पे जो है टैंकर चढ़ाकर भेजा जाए, उसका इंश्योर किया गया। तो एक समय ऐसा आया कि हम लोग ने जहाँ 300-400 मेट्रिक टन हम ऑक्सीजन उठा रहे थे, हम लोग 1000 मेट्रिक टन तक उठा पाए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट पूरे देश के लिए है। उस काम को हम लोग ने सुनिश्चित यूपी में किया है। आज की तारीख में एकदम से आपने देखा होगा कि अब 3,000-4,000 तक ही नए केसेस रह गए हैं, और होम आइसोलेशन के केसेस भी काफी कम हो गए हैं। तो अब हॉस्पिटल्स में जगह भी है, हॉस्पिटल्स में अब जो है पेशेंट्स के लोड काफी कम हो गया है। तो ऐसे में जो है ऑक्सीजन की मांग भी जो है लगभग 600-700 मेट्रिक टन तक ही आ गई है। लेकिन अब हम लोग इस व्यवस्था को ऐसी बना रहे हैं कि जब भी कभी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो उस काम को हम लोग पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश और किया है कि जहां जहां अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, CHC है, PHC है, वहां पर जो है ऑक्सीजन जनरेटर्स भी लगवाए जाए। तो भारी मात्रा में लगभग 300 से अधिक ऑक्सीजन जनरेटर्स भी अलग अलग अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं, तो उस काम को भी सुनिश्चित किया जाए। सर, ये जो कंट्रोलिंग आप बता रहे हैं, कंट्रोलिंग आपको ऐसे नहीं लगता कि जो लॉकडाउन करने की वजह से कंट्रोलिंग हुई, अगर लॉकडाउन खुल जाएगा तो? देखिए, बात इस बात की है कि कोरोना से लड़ने के दो ही आधार हैं, एक मास्क पहनना और दूसरा सामाजिक दूरी बनाना, यानी सोशल डिस्टेंसिंग करना। अगर मास्क लोग पहने और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करें तो 99% कोरोना नहीं हो सकता। लेकिन जब भी भीड़भाड़ के इलाकों में लोग इकट्ठा होते हैं, दुकानों के आसपास इकट्ठा होते हैं, चौराहों पर इकट्ठा होते हैं, या कोई सांस्कृतिक या अलग कोई सामाजिक कार्यक्रम में या घर के कार्यक्रम में, शादी ब्याह में इकट्ठा होते हैं, तो निश्चय ही जो है फैलने की संभावना रहती है। लॉकडाउन तो नहीं, हमारे प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है, यानी गैर जरूरी मूवमेंट बंद किया गया, लेकिन कोई भी जरूरी मूवमेंट को नहीं रोका गया। इंडस्ट्री चल रही है, जो जरूरी सेवाएं हैं वो चल रही हैं, जो सरकारी विभाग चलाने हैं वो चल रहे हैं, कहीं भी आर्थिक रूप से जो है इतनी कठिनाई नहीं आई है। और ये जो मॉडल यूपी का है आंशिक कोरोना कर्फ्यू का, काफी सफल रहा है। इससे जो लोड है हमारा इन्फेक्शन का वो भी घटा है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे कोई विशेष प्रभाव। सर, बस आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपका जितना भी अभी जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में आप और क्या चीज करना चाहते हैं जो आप आज तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए? मुख्यमंत्री जी का एक आदेश है कि यूपी को हर चीज में नंबर 1 बनाया जाए। आपने देखा होगा कोई ऐसा विभाग नहीं होगा जहां पर यूपी नंबर 1 पर ना आया हो, चाहे वो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन में हो, चाहे वो फूड ग्रेन परचेज में हम लोग आगे हो, चाहे वो वीट प्रोडक्शन में हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्री में हो। हम लोग जो है, हमारा प्रदेश मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में
जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर टू पर आ गया जी। तो हर चीज में जो है यूपी ने काफी अच्छा कार्य किया है, तो हर क्षेत्र में यूपी नंबर वन रहे, यही हमारा उद्देश्य है। जिस विभाग में हम लोग रहेंगे हम कोशिश करेंगे कि अपने विभाग में रहते हुए यूपी को नंबर वन पर ले जाएं। हमारे गृह विभाग में हम ये कह सकते हैं कि पिछले दो साल में जो क्राइम के फिगर्स हैं अगर नेशनल लेवल पर देखा जाए तो पर कैपिटा पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी के क्राइम के फिगर वन ऑफ द लोएस्ट हो गए। तो इसका भी जो है प्रयास हम लोग का रहता है कि क्राइम किसी भी रूप में नीचे आए, विशेष रूप से महिला से सुरक्षा से रिलेटेड जो बिंदु है उस पर विशेष काम किया गया है, उसका भी बहुत फर्क है। जी सर, एक मैसेज लास्ट में मैं आपसे चाहूंगी कि कोविड से रिलेटेड जो भी कोविड काल चल रहा है उस पर आप एक मैसेज। देखिए कोविड काल में तो मेरा एक ही मैसेज है कि आप मास्क जरूर पहने, आने वाले समय में मास्क की आवश्यकता और अनिवार्यता बनी रहेगी, कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, सावधानी पूरी बरतनी चाहिए। अपने परिवार में, अपने वर्क स्थल में कोशिश करिए कि किसी भी रूप में मास्क आप पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और गैर जरूरी मूवमेंट जो भी हो उसको अवॉइड करें। यदि ये होगा तो 99% कोरोना नहीं होगा और कोरोना की लड़ाई में आप हमारे हम लोग सब साथ लड़ सकेंगे। तो कोरोना की लड़ाई में हम लोग सब साथ लड़ें, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें और चीजों को आगे बढ़ाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी आगे बढ़ाएं, लेकिन इन्फेक्शन को किसी भी रूप में बिल्कुल मिनिमम कर दें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ये मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच सर। आज के शख्सियत प्रोग्राम में बस इतना ही। आज हमने बात की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी जी से, जिन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल के बारे में हमसे बात की। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी।